thinking. Like this town. हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर जरूर जरूर कीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ नहर में, ये देख सकते हैं इधर नहर है, सूखी है बहुत ज़्यादा। अभी तो घास हो गया है, बहुत ज़्यादा घास हुआ है, ये देख सकते हैं। और ऐसे इधर से रास्ता है आगे, तो अभी मैं जा रही हूँ मटर इकट्ठा करने के लिए। तो खेत में है, इधर नीचे है, नज़दीक है घर है, मम्मी के घर से। तो मटर लगाए हुए हैं और सूख जाते हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ पड़ रही है। तो अभी तो धूप नहीं है इतना, लेकिन मम्मा बोलते चलो मटर इकट्ठा करने के लिए जाना है। तो ये देख सकते हैं लेके जा रही हूँ मैं, टप लेके जा रही हूँ छोटा सा, और मम्मी आ रहे हैं पीछे और मैं जा रही हूँ आगे आगे। तो इधर से आगे तक गया ये वाली नहर जो है, और इधर से नीचे गया ये खेतों के लिए रास्ता। छोटे छोटे रास्ते रहते हैं पहाड़ों में। तो मैं अपने मायके में हूँ और मायके के रास्ते ऐसे हैं, ये देख सकते हैं। अभी तो बारिश का मौसम देख सकते हैं, बारिश बादल आ गए हैं, बारिश नहीं हुई है। अच्छा होगा बारिश नहीं होगी, क्योंकि अभी गेहूं पकने का टाइम चल रहा है, तो गेहूं भी कच्ची है। अभी गेहूं भी है साथ में ही, ऐसे नीचे है मटर का खेत, थोड़ा नीचे है। जा रही हूँ, आइए मेरे साथ मटर लेने के लिए जा रहे हैं हम, क्योंकि जो देसी मटर रहते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं। हरा मम्मा ने जो है वो इधर हरा धनिया लगाया हुआ था, अभी तो इसमें बीज पड़ गए हैं। ये देख सकते हैं पूरा बर्बाद हो गया है, ये तो फसल ही बर्बाद हो गई है। थोड़ा थोड़ा रहा है इधर साइड साइड में, क्योंकि जब बारिश हुई थी तूफान वगैरह आया था इधर, अभी पिछले मंथ हुआ था। ये देख सकते हैं कितना बर्बादी हो गई है, पूरा नीचे गिर गया है ये सब। कुछ एक पेड़ हुए हैं जो खड़े हुए हैं, और ये देख सकते हैं ये भी गिर गया है, गेहूँ का जो है बीज का जो है बीच बीच से गिर गई है और साइड साइड से खड़ी हुई है, तो अभी कच्ची है। और ये है नीचे मटर का खेत है, और क्यों भी लगे हुए हैं पहाड़ों में, क्यों भी होते हैं दिखाऊंगी मैं अभी क्यों कैसे होते हैं। और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ये लहसुन लगाया हुआ है मम्मा ने, गारुन लहसुन है ये, देसी लहसुन बोलते हैं हम। और इधर से ऐसे रास्ता है नीचे, और मम्मी आ रहे हैं ऊपर से, ये देख सकते हैं, और देख सकते हैं मम्मी आ रहे हैं रास्ते से। आ जाइए मम्मा, वो आ रहे हैं मम्मी, तभी हम जा रहे हैं खेत तक। पहुंचने वाली हूँ मैं तो, क्योंकि नज़दीक ही है घर से। मम्मी आ रहे हैं क्योंकि मम्मा को थोड़ा बीमार हुए हैं मम्मा, तो उन्होंने जो है स्वेटर पहना हुआ है और शॉल भी लगाई हुई है, लेकिन मैंने नहीं पहना है आज, ये देख सकते हैं ऐसा दुपट्टा लगाया हुआ है ये, और पतली ड्रेस है कॉटन की। तो ये देख सकते हैं नीचे आ गई मेरी आंटी, चाची जी आ गए, चाची जी आ रहे हैं। तभी हम निकालने वाले हैं मटर। तो ये है मटर का खेत, पहुंच गए हम मटर के खेत में, इधर ही है मटर का खेत, ये देख सकते हैं ये है मटर का खेत। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मटर निकालना। मम्मी जी बैठ गए क्योंकि मम्मा थोड़े बीमार हैं, अभी ज़्यादा ठीक नहीं हुए हैं, तो ये बैठ गए। मम्मा थक जाते हैं क्योंकि सीढ़ियों जैसे ये रहते हैं रास्ते पतले पतले। तो ऐसे चलना पड़ता है। मेरी चाची माँ आ रही है। तो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं निकालना। ये देख सकते हैं मेरे चाची माँ आ गए, हाय कर दो। हाय। चाची माँ का घर ये है नीचे, तो मम्मी के साथ गप्पे मारने के लिए आगे बैठ गए दोनों देवरानी और जेठानी। जैसे हम बैठते हैं, तो मेरी जेठानी तो अभी दूर है क्योंकि मैं अभी मायके में आई हूँ, तो मटर निकालना तो दूर रह गया अभी क्योंकि गप्पे स्टार्ट हो गई।
अभी निकालूंगी मटर में थोड़ी देर के बाद, पहले गप्पे मार लेते हैं। स्टार्ट हो गई देवरानी जेठानी की गप्पे चल रही है अभी गप्पे शप्पे। ज्यादा जूम तो नहीं करता मैं, आंसू जो निकाल दी कमलरी कर। हाय तू चल रही? इधर कर ये ली मैं तो निकाल रही है। नहीं तो मैंने तो इतने बड़े बड़े मटर निकाल दिए। ब्लॉग बनाने तक तो हमने जो बांधे भी धोना फिर काला भी बना रहा मैं। ये देख सकते हैं आप अनुराधा पौडवाल मटर निकाल रही है, बिजू का कर दा। वैसे तो ये काम कुछ करती नहीं है पर आज पता नहीं कैसे कर रही है। ओ कनी कर दी आंटी सॉरी अगर होवे जत थारो वार्ड है। ये सुजी छिवड़ गाल जाया बनांदे होंदा ना कुछ पूरे इथे गया प्रियो लगरी भी सुज लगी ओथी लारा दसना एथे तकरा फेरी दो त्रै दिन इथे रहया परे फिर चढ़या बोलो को कि जंगा बिंदा फर्क मटर ने दो बांग के होने मामी बोला बीमार हो रही मैं बैठाए तो करना दो घड़ी मैं बोले बैठ लिया था ना थे बोले बोले बीमार हो रहे। देख सकते हैं ये मटर है देसी मटर और ये क्यों बोलते हैं पहाड़ों में होते हैं ये देख सकते हैं क्यों। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, सूखी सब्जी बनती है इसकी भी। इतने सारे निकाल दिए मैंने मटर और क्यों। बाय बाय अंशु देख नहीं थी अंशु अंशु ठीक है कि अंशु बीमार हो रही अंशु जो जी पूरी आनी चाहिए। मेरा ड्रेस ही फट गया। टेढ़ा नहीं कर खोलना। मटर भी गिर गया मैडम, मैं गिर गई थी आज दस दिखाओ। मेरी ड्रेस भी फट गई, मैं फंस गई थी ऐसे थोड़ा सा कांटेदार झाड़ी थी उसमें और मेरे मटर भी नीचे गिर गए सब इकट्ठा किए हुए थे। तो कर रही है अभी उनको इकट्ठा धीरे धीरे क्योंकि छोटे छोटे रहते तो बहुत टाइम लगता है। क्यों भी साथ में तो क्यों बहुत छोटे हैं मटर से भी। तो चलो इकट्ठा हो ही गए मेरे मटर।
मम्मी चले गए अभी, क्योंकि मैंने एक सब्जी के लिए निकालने थे मटर जो है, तो मैं निकाल चुकी हूँ अभी। ये है खेत, दिखेंगे नहीं, ये नज़दीक से थोड़ा दिख रहा है, एक ही पेड़ दिख रहा है, क्यों के साथ लगा हुआ है एक पेड़, ये देख सकते हैं ये वाला क्यों है ये, और मटर का भी है साथ में ही, ये देख सकते हैं ये है मटर। तो थोड़े से ही लगाए हुए थे, थोड़े से ही खेत में, ज़्यादा बड़े खेत में नहीं लगाए हुए हैं, इधर लगाए हुए थे ये, तो अभी भर गया मेरा, एक सब्जी हो ही जाएगी इससे, क्योंकि ताज़ी ताज़ी निकाले तो टेस्टी लगता है, और जैसे सूख जाए तो फिर इतना टेस्ट नहीं आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर में, तो हो गया मेरा काम। मम्मी ने बोला हाँ जो देखते हैं मटर निकालते हैं, और मटर के साथ क्या बनाना है अभी सोचा नहीं है शाम को, तो मौसम तो देख ही रहे होंगे अभी हिमाचल का कैसा हो गया है। इधर तो एकदम घने बादल छाए हुए हैं, क्योंकि इधर भरोसा ही नहीं होता कब बारिश लग जानी और कब नहीं। और चिड़ियों की आवाज़ तो बहुत अच्छी सुनाई देती सुबह सुबह भी और अभी भी, क्योंकि इधर साथ में ही जंगल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ऊपर को जंगल लगा हुआ है। सब बोलते हैं दीदी आपका मायके का घर जंगल में है क्या, तो हाँ मतलब जंगल भी है, लेकिन ऐसे इधर से रास्ता गया ना ये ऊपर ये वाला, तो इधर से ऊपर सड़क है और उससे दूसरी तरफ जो है वो गांव है एक, तो वो तो प्योर जंगल में आते हैं, हम इतना जंगल में नहीं आते हैं। ये देख सकते हैं, दिखा देती हूँ मैं, ये गया रास्ता ऊपर को। अभी मैं ऊपर की चढ़ाई तो नहीं चढ़ सकती, लेकिन ऐसे इधर से रास्ता गया और इधर से भी रास्ता गया और इधर से भी रास्ता गया, तो मैं ज्वाइंट में खड़ी हुई हूँ, इधर से चार पांच रास्ते जाते हैं। तो अभी हो गया मेरा काम, तो अभी मैं जा रही हूँ घर में, क्योंकि अभी हंसु को भी छोड़ा है नानी माँ के पास, नानी माँ और नाना आए हैं मेरे, नाना तो चले गए हैं लेकिन नानी माँ रुके हुए हैं, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इस चक्कर में वो चले गए घर में, उनके घर में कोई भी नहीं था, तो मामा मामी कहीं गए हुए थे, तो फ़ोन आया उनको इसलिए वो चले गए, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और अभी नानी रुके हुए मम्मा के पास, क्योंकि मम्मा थोड़ी वीकनेस में है, तो चलो भगवान जी हो जाए जल्दी से ठीक, क्योंकि माँ ठीक हो जाए मेरी, और अंशु की माँ तो अभी ठीक हो गई है। तो मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय, बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज़ इस पहाड़ी छोरी को पहाड़ी लड़की को और महाराष्ट्र में बहू को। तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल है मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल में आइए और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, तो बाय बाय।